खबर जोधपुर से। यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर सीबीआई की टीम दस्तावेज खंगाल रही है। मामले में सामने आ रहा है कि दिल्ली में सीबीआई की टीम जोधपुर की सीबीआई की टीम के साथ कुछ दस्तावेजों को लेकर अग्रसेन गहलोत के घर पहुंची। टीम अग्रसेन गहलोत और उनके परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर रही है। पावटा स्थित खाद बीज की दुकान पर भी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। पुराने केस के मामले में पड़ताल होने की बात सामने आ रही है। पहले भी ईडी की टीम पड़ताल कर चुकी है, लेकिन ईडी और सीबीआई का नाम जब सामने अब आ रहा है, कहीं ना कहीं पहले भी इस पर सवाल खड़े हुए हैं। क्या ये पूरा मामला है, इसकी जानकारी के साथ सीयोगी राजीव गौड़ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, पूरी अपडेट दीजिए इस मामले पर। देखिए, इस पूरे मामले को देखा तो पहले ईडी की कार्रवाई अग्रसेन गहलोत के निवास पर और ऑफिस में हो चुकी है। आप देख सकते हैं सीबीआई की जो कार्रवाई है, अंदर देखिए कि एक व्यक्ति अभी अभी कंप्यूटर का सारा सामान, कीबोर्ड की बात करें या पूरा सेटअप की बात करें, यानी सीबीआई यहाँ लंबा टिकने वाली है। कई तरह के मेमो बनते हैं, कुछ बरामदगी होती है उसका मेमो बनता है। अगर पूछताछ के बाद में सीबीआई को लगता है कि कोई बड़ी कार्रवाई करनी, गिरफ्तारी जैसी, तो ऐसे में सारे ऑर्डर टाइप होते हैं, तमाम बड़े अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं। लगभग 10 अधिकारियों की टीम अंदर है और सबसे बड़ी बात कि जो पावटा ऑफिस जो ऑफिस है वहां पर भी एक टीम अलग काम कर रही है, पड़ताल चल रही है। ईडी की ओर से जो कार्रवाई की गई थी, उस वक्त दिल्ली बुलाया गया था, दिल्ली पूछताछ में शामिल भी हुए थे, लेकिन पूछताछ में शामिल होने के साथ ही जिस तरीके से आज सुबह सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है, पड़ताल कर रही है, पूछताछ कर रही है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो ईडी वाला मामला था हाईकोर्ट की रोकी, हो सकता है कि सीबीआई को वो मामला दे दिया गया और सीबीआई उसको नए सिरे से जांच कर रही है। देख रही होगा कि इस पूरे मामले के अंदर पड़ताल में निकलता क्या, क्योंकि जब ईडी ने जब कार्रवाई की है तो उस वक्त कुछ निकला नहीं था और बराबर पूछताछ के लिए जा रहे थे, और अब जिस तरीके से हाईकोर्ट द्वारा गिरफ्तारी की रोक लगी है, ऐसे में सीबीआई की टीम का यहां पर पहुंचना कई तरह के संकेत दे रहा है। जी बिल्कुल राजीव, पूरा मामला क्या रहा है, बताया जा रहा है कि एक पुराना केस था जिस पर ये पड़ताल हो रही है, इस मामले पर क्या कुछ जानकारी? देखिए, जिस तरह की सूचना सामने आ रही है कि पोटाश खाद इत्यादि का एक्सपोर्ट का कामकाज इनका था, बिना अनुमति के निर्यात की एक सूचना जरूर कही गई है, और ऐसे में जिस तरीके से सीबीआई की टीम यहाँ पर, इससे पहले ईडी की टीम पहुँची, ईडी की टीम ने जब पड़ताल की है और पड़ताल करने के बाद में जिस तरीके से यहाँ पर जो कोशिश की है, और देखिए कि गाड़ी में से कुछ सामान लाया गया है, सीबीआई का जो लाल सागर स्थित कार्यालय है वहाँ की जो टीम है वो लगातार, अभी पहले कंप्यूटर का सामान लेके गई थी, एक बार लगता है ये टीम एक बार वापस जा रही है कुछ और अधिकारियों को या कुछ और दस्तावेज लेने के लिए, ये टीम वहाँ के लिए जा रही है। लेकिन स्वर्गीय भवन सिंह, आपको वो निवास दिखा रहे हैं अग्रसेन गहलोत का, जहाँ पर इस वक्त सीबीआई की जो कार्रवाई है वो चल रही है, और इस कार्रवाई के पीछे कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलग अलग अधिकारियों की जो टीम पहुंची है, उसे देखिए सुरेश भवन सिंह आपको अंदर की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कार्रवाई चल रही है, किस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ईडी के द्वारा जब इस पूरे मामले को लेकर के पड़ताल की गई थी, तब पूछताछ में सहयोग किया गया था, और उसके बाद में जिस तरीके से गिरफ्तारी पर रोक लगी है, उसके बाद ऐसा लगता है कि अब ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि जब तक ये नहीं, क्योंकि ये कोई दूसरा मामला नहीं है, उनके ऊपर कोई दूसरा आरोप भी नहीं था, अगर आरोप होता तो सीबीआई की टीम पहले भी आ सकती थी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आज सुबह से कार्रवाई की जा रही है, अलग अलग टीमें, दिल्ली से टीम आई है, जोधपुर की टीम आई है, वो भी पड़ताल कर रही है। जी राजीव, इससे पहले जब दिल्ली में उनसे पूछताछ की गई थी और कुछ समय पूर्व हाईकोर्ट के द्वारा अग्रसेन गहलोत की गिरफ्तारी पर रोक भी लगाई गई थी, अब जब प्रतिक्रियाएं इस पर सामने आएगी, इस जांच पर, चूंकि ईडी और सीबीआई को लेकर के पहले से ही एक पूरे देश में मामला तूल पकड़े हुए हैं, क्या उससे भी इसे जोड़कर देखा जाएगा आने वाले दिनों में? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से पूरे देश में कांग्रेस इस बात को लेकर के आंदोलन कर रही है, सोनिया गांधी हो चाहे राहुल गांधी हो, उन पर ईडी की जो कार्रवाई बदले की बावजूद से जो कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये एक लिंक जो है उसे जोड़ा जा सकता है। पहले भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह भी चुके हैं, उस वक्त जब यहाँ पर रेड हुई थी तो बोला कि इस बात की तो उम्मीद थी ही, क्योंकि इस तरह की जो कार्रवाई देश के राजस्थान के कई नेताओं की बात की गई थी, चाहे धर्मेंद्र सिंह राठौड़ की बात करें, राजीव अरोड़ा की बात करें, इनकी बात करें, और उसके अलावा अभी तो देखिए कि जिस तरह का देश का माहौल बना हुआ है, पूरे
देश में प्रदर्शन चल रहे हैं और ऐसे में इसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं प्रतिशोध की बात कहिए, दुर्भावना कहिए, वो सब बातें कही जा रही है, लेकिन फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी हुआ क्योंकि ईडी की कार्रवाई के दौरान पूछताछ में सहयोग करना, टीम का यहाँ पर आना, अग्रसेन गहलोत का दिल्ली जाना, अपने सहयोगी महेश गहलोत के साथ में जाकर के बयान देकर के आना, बार बार बुलाना, बार बार जाना और बाद में गिरफ्तारी पर जो हाईकोर्ट की रोक लग गई है, उस रोक लगने के बाद में कहीं ना कहीं लगता है कि अब कुछ कार्रवाई ये एजेंसी नहीं कर सकती, तो ऐसे में सीबीआई की टीम को जिस तरीके से केस ट्रांसफर करने की बात सामने आ रही है, सीबीआई की टीम जिस तरीके से अंदर देखिए कि अभी जो सामने की तरफ कक्ष देख रहे हैं यहाँ पूछताछ चल रही है और वहां पर कंप्यूटर का पूरा सिस्टम सेटअप कर दिया गया है, जो कंप्यूटर के सारा सामान यहाँ पर लाया गया है और कोशिश ये चल रही है कि ऑर्डर अंदर ही टाइप होंगे, क्या ऑर्डर टाइप होंगे ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन ये मेमो बनता है कुछ बरामदगी का, मान लीजिए कुछ दस्तावेज उनको लेने हैं या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार भी करना है, तो ऐसे में पूछताछ चल रही है, लेकिन इस वक्त अगर बात करें तो सीबीआई की टीम जोधपुर के नागौर रोड स्थित यहाँ अग्रसेन गहलोत के निवास पर यह मौजूद है और सीबीआई की टीम पड़ताल कर रही, पूछताछ कर रही। जी राजीव, इसके अलावा जब सीबीआई की टीम पड़ताल करने पहुंची उन्होंने परिवारजनों से भी पूछताछ की है, अग्रसेन गहलोत के परिवारजनों से भी पूछताछ की है, उनका क्या अब रोल है इस पूरी पूछताछ में, क्या सवाल पूछे गए होंगे संभवतया अगर ये मामला इससे जोड़कर देखा जाए तो? देखिए पहले भी ईडी की टीम जब आई थी परिवार के सदस्यों से पूछताछ की थी, लेकिन कि एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, पैसा कहाँ से आता है या पैसे का कितना प्रतिशत कहाँ जाता है, उन सब कई तरह की चीज़ें हैं, लेकिन अभी जिस तरह की बात की जा रही है सीबीआई की टीम आई है, आप देखो सीबीआई का अगर वर्किंग स्टाइल देखिए कि दिल्ली से टीम को यहाँ बुलाना, मिलकर के यहाँ पर आना और यहाँ जिस तरीके से पूछताछ करना है, पूछताछ में यही सब सवाल है कि वो जो आरोप लगे थे निर्यात को लेकर के, आय से अधिक संपत्ति की बात की, वो सब बेमूल निकल गई, तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं आमतौर पर अगर ऐसी कार्रवाई को इस वक्त पूरे देश के अंदर जो माहौल है इसको देखते हुए इसको प्रतिशोध की कार्रवाई माना जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के जब तक क्योंकि सीबीआई के पास कुछ तथ्य है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि बिना तथ्य के सीबीआई हाथ नहीं डालती, लेकिन अभी जिस तरीके से कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये तमाम जो एजेंसियां हैं रिमोट से चल रही है, लेकिन कितने रिमोट से चल रही है, हकीकत क्या है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, चलिए राजीव बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।